हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और जैसा कि आप सबको पता ही है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, और ऐसी गर्मी में टेम्परेचर जो है 45 था, अब सुनने में आ रहा है कि 47 होने जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने और शरीर का ध्यान रखें, और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इसके पीछे के वैज्ञानिक तथ्य को जानें। तो मैं आपको इसके वैज्ञानिक तथ्य के बारे में इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। लू लगने और लू लगने से डेथ होना। अभी हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि दिल्ली से लेके आंध्रा तक लोग लू लग रही है और लू लग के लोग मर रहे हैं। तो ऐसा क्या है, हम सभी लोग तो बाहर जाते हैं धूप में, तो कुछ ही लोगों को लू क्यों लगती है? क्योंकि हमारा जो शरीर है, शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर ही हमारा जो शरीर के सभी अंग हैं वो ठीक से काम करते हैं, और पसीने के रूप में पानी शरीर से बाहर निकल आता है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि इस समय हम पानी पीते रहें, क्योंकि पानी शरीर में इसके अलावा भी बहुत से काम करता है, जिससे शरीर में पानी की कमी होने पर शरीर पसीने के रूप में पानी बाहर निकालना टालता है, क्योंकि हमारे शरीर में इतना पानी नहीं है तो पसीने के रूप में निकल नहीं रहा है, उसको बंद कर देता है। जब बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री के पार हो जाता है और शरीर की जो कूलिंग है वो ठप हो जाती है, तो शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर पहुँचने लगता है। और शरीर का टेम्परेचर जब 42 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तब हमारा जो ब्लड है वो गर्म होने लगता है, और जो ब्लड में प्रोटीन होता है दोस्तों, वो गर्म होने लगता है, पकने लगता है, जैसे कि हम पानी में एग बॉइल्ड करते हैं। तो और हमारे जो स्नायु हैं वो कड़क होने लगते हैं। इस दौरान हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी जो स्नायु तंत्र हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं, तो इससे हमारा बीपी जो है वो लो हो जाता है। तो और जो महत्वपूर्ण अंग हैं, स्पेशली ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, और ऐसे में व्यक्ति कोमा में चला जाता है। तो उससे फिर उसके शरीर के सारे पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो गर्मी के दिनों में ऐसे अनर्थ को टालने के लिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, और अपने शरीर का जो टेम्परेचर है उसको 37 डिग्री मेंटेन करते रहें। इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, हो सके तो जितना है कम से कम आप धूप में बाहर जाइए, और जाना अगर ज़रूरी है तो पानी ज़रूर पीते रहिए। तो आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।